आज मुजफ्फरबाई के फार्म पे आने का मुझे मौका मिला है और मैंने यहाँ उनके साथ में घूम के फार्म में अलग अलग मॉडल्स जो तैयार करने की योजना है और विदर्भ के किसानों की जो आत्महत्या हो रही है, जो आर्थिक हालत खराब है, उसको सुधारने के हिसाब से जो मॉडल बनाने का उन्होंने जो यहाँ काम शुरू किया है वो बहुत साइंटिफिक और वैज्ञानिक और बहुत तारीफ करने के योग्य यहाँ का पूरा काम है। और बड़ी लगन के साथ, बड़े डेडिकेशन के साथ और एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेके और साइंटिफिक और एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेके और 5-5 एकड़ के मॉडल्स तैयार करने की जो योजना उन्होंने बनाई ऑर्गेनिक खेती, क्योंकि समाज में एक बड़ा चैलेंज है कि आज जो केमिकल्स की जो खेती होती है उससे लोगों को बीमारियां, कैंसर और 10 तरह के रोग उनको होते हैं। आज हेल्दी लाइफ के लिए ऑर्गेनिक खेती ये पूरे सोसाइटी के लिए ब्लेसिंग है। तो आज उसके बड़े पाइपलाइंस बनाना, जीवामृत तैयार करना, गिर गाय लेके आना और उसके पूरे प्रोजेक्ट तैयार करना और फिर किसानों को दिखाना, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को दिखाना और उनको मोटिवेट करना और पूरे विदर्भ के फार्मर्स आके यहां से इंस्पिरेशन ले, ये जो इनका काम है उसका मुजफ्फरबाई बॉम्बे में उनका कर्म भूमि है। बॉम्बे में मीरा भाईंदर में वो रहते हैं, अमरावती का उनका मूल कनेक्शन है, पर जो काम इस जगह पे उनके हाथ से हो रहा है उनको ऊपर वाला और ताकत दे। और मैं बहुत खुश हूं मेरे 50-55 साल के पॉलिटिकल लाइफ में इतना अच्छा डेडिकेशन से काम करने वाले एक अच्छे नौजवान हमारे साथी है और मैं उनका इस काम के लिए बहुत अपनी बेस्ट विशेस देता हूं और ईश्वर इनको कामयाब करे।